वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आपको लगता है कि जो पॉलिटिकली जो कद है सिद्धू साहब का, उस हिसाब से कांग्रेस उनको एडजस्ट नहीं कर पा रही है? एक अच्छा मौका है, अगले साल इलेक्शन है, मजबूत स्थिति में कांग्रेस है और सिद्धू साहब को पसंद भी कर रहे हैं लोग, तो उनको वापस आना चाहिए सरकार में। देखो, ये सिद्धू साहब की मर्जी है, जब उनको लगेगा अगर वो पंजाब के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। मेरी तरह है ना, अगर हमें हम करोड़ों की 40 करोड़ की नौकरी छोड़ के साल की वो बंदा बैठा है ना, आज वो नौकरी पे भी नहीं जा रहा, वहाँ भी नहीं जा रहा, कि किसान भाई को ये ना लगे कि मुझे छोड़ के इस समय पे ये बंदा अपना पैसे कमाने चले गया। मेरी रोज घर में लड़ाई होती है, फिर भी कहना नहीं मैं नहीं जाना, तो उसका एक मकसद है, वो अपना जीवन एक मकसद से जी रहा है कि वो पंजाब के लिए मरना चाहता है। जिस पोजीशन पे उसे लगेगा कि मैं पंजाब के लोगों की सेवा कर सकता हूँ तो वो करेगा। उसको पद का शौक होता तो वो 1.5 साल से किसी कहीं और बैठ जाता। अगर वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, किसी परफॉर्मेंस ही नहीं कर सकता, तो उसकी सैक्रिफाइस का फायदा क्या है? लेकिन तो हरीश रावत हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को जो कांग्रेस में है पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, पिछले कब से बोल रहे हैं, लेकिन वो टाइम आ नहीं रहा है। वो देखो, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि हम दोनों लोग अपना सारा कुछ छोड़ के इसलिए नहीं है पॉलिटिक्स में कि हमें कोई पदवी चाहिए। फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते ना वो, फिर तो वो यूनियन मोदी जी को छोड़ के आए, फिर तो यूनियन मिनिस्टर होते, कुरुक्षेत्र से लड़ लेते इलेक्शन, क्या बड़ी बात थी? कौन छोड़ता है? तो वो छोड़ा है ना पंजाब के लिए, तो अगर पंजाब का भला कर सके ऐसी कोई पोजीशन हुई या आगे भगवान ने दी जिससे वो निर्णय ले सके पंजाब के हित में, तब तो वो सिद्धू साहब की भूमिका क्या होगी वो खुद ही तय करेंगे, वो खुद तय। मैम, लेकिन आपको लगता है कि डिप्टी सीएम होना चाहिए या मिनिस्टर? कुछ नहीं, वो खुद ही तय करेंगे। हमारे पास कोई कैपेसिटी तो होना कोई काम करने की, एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन है ही नहीं।